हेलो मम्मी लो, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने बच्चों के साथ। तो ये टाइम बहुत अच्छा होता है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं और हमको उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम जो मेरा दूसरा बेबी है तो मुझे ये टेंशन है कि वो बड़ा हो जाएगा तो फिर से ये टाइम नहीं मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं आप लोग के साथ एक शॉपिंग हॉल शेयर करना चाहती हूँ, फर्स्ट कई शॉपिंग हॉल। और मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा। बेटा छोटा है, बेटी बड़ी है। तो अभी मैं फिलहाल पहले बेटे के कपड़ों का हॉल आपके साथ शेयर करूंगी। और फर्स्ट क्राई पे मैं प्राइस नहीं बता पाऊंगी क्योंकि प्राइस मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूंगी, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है इसलिए मैं प्राइस नहीं बता पाऊंगी। और तो चलिए फिर देखते हैं मैंने क्या क्या मंगाया। फिलहाल मैं आप लोग को ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि मैंने ये क्लॉथ वॉश करके देखा है और गाइज बच्चों को पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और प्राइस वाइज तो बहुत ही अच्छा है। तो आप फर्स्ट क्राई पे जाके इनको चेक कर सकते हो। तो चलो मैं दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या क्लॉथ है। तो पहले सबसे पहले मैं अपना पिटारा खोल कर रख रही हूँ आप लोग के सामने और आप लोग देखो कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो ये दो एक दो क्लॉथ मैंने वॉश कर लिए हैं, आप देख सकते हो इनकी क्वालिटी और इनके कपड़ों के उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों बहुत अच्छा फील करते हैं बच्चे और बहुत ही अच्छे से कैरी करते हैं। तो मैंने कुछ उलेन क्लॉथ भी ऑर्डर किए हैं हल्की ठंड के लिए। साथ में मैंने लिए हैं ये दो थर्मल, मैं इनको खोल के भी आप लोग को दिखाऊंगी। और थर्मल ये दोनों हैं, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे हैं, क्लॉथ वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और एक ये मुझे कलर बहुत पसंद आया। सच में गाइस बच्चों के कपड़े तो समझ में नहीं आते कि क्या लो क्या छोड़ू, तो ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, आप देख सकते हो कलर। और ये स्वेटर लिया है, लाइट वेट है, बहुत हैवी नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहन पाते हैं। और गाइस कलर डिज़ाइन फेयर बहुत ही ज़्यादा सुंदर, आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर दिख रहा है। और ये मुझसे गलती से दो पीस ऑर्डर हो गया था तो ये मेरे पास दो पीस हैं पर मैंने रख लिए हैं क्योंकि बच्चों को तो कपड़े लगते ही रहते हैं, नहीं तो मैं एक किसी को गिफ्ट कर दूंगी, आप देख सकते हो। ये है इसका भी कलर गाइस बहुत खूबसूरत है। और एक क्लॉथ ये है और एक ये है। ये ब्रांड है बीबी हक्का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डोंगरी टाइप का ये ड्रेस है। और चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये रेड वाला स्वेटर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। और आई होप ये आपको अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप देख सकते हो प्राइस, सच में प्राइस मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। हाँ इसकी ओरिजिनल प्राइस 595 है तो आपको ऑफर में ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत सा कलर है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों के कपड़े तो मतलब हम चाहते हैं कि उनको कंफर्टेबल हो, वो पहने अच्छे से। तो आप देख सकते हो इसका मतलब क्लॉथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बच्चे बहुत अच्छे से इसको पहन सकते हैं। और फिर यहाँ पे आता है मेरे पास दूसरा ये कपड़ा, ये भी गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और बच्चों के कपड़े तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते ही हैं। तो मैंने बेबी गर्ल्स के लिए, बेबी गर्ल के लिए भी कपड़ा लिया है तो मैं उसका वीडियो अलग से शेयर करूँगी। और आप फिलहाल अभी बेबी बॉय का क्लॉथ देख लो, अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो फर्स्ट क्राई से। ये इसका पैंट है खूबसूरत सा और कपड़े तो आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े हैं। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया ये थर्मल, तो ये थर्मल तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है बेबी के लिए। और मुझे थर्मल बहुत पसंद आते हैं क्योंकि मैं उनको नीचे थर्मल डाल के ऊपर से आपको भी कपड़े पहना दूँ तो कपड़े भी अच्छे दिखते हैं और बेबी सेफ फील करता है ठंड से। तो इसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही वार्म रखेगा आपके बच्चे को और ठंड का बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि उनको फील होगा ठंड। फिर भी आप ऊपर से चाहो तो स्वेटर पहना सकते हैं, मैंने दो लिया है और ये दूसरा वाला है सेम।
उसके बाद मैंने लिया ये रेड कलर। मैंने बहुत सारे कपड़े ऐड किए थे फर्स्ट ट्राई में, तो मुझे कुछ स्किप करने पड़े क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे होते हैं, और आप कहीं जाते हो तो नए बेबी को लेके तो लोग गिफ्ट भी करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कुछ को स्किप कर दिया। फिलहाल मुझे जो बहुत अच्छे लगे वो मैंने ले लिया। तो ये मैंने वॉश करके दिखाया है गाइस, आप देख सकते हो कलर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कपड़ों का सॉफ्टनेस वैसे ही बना हुआ है। और मैं बताऊंगी कि आप बेबी के कपड़े कभी भी नॉर्मल लॉन्ड्री में मत धोइए, नॉर्मल सोप से मत धोइए। बच्चों के अलग से लॉन्ड्री सोप आते हैं, डिटर्जेंट आते हैं, लिक्विड में आता है, आप उनको यूज़ करिए तो बच्चों के कपड़ों का जो सॉफ्टनेस है, जो कलर है, जो फीचर्स है, वो सब बने रहेंगे और आपको कभी कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। और ये डोंगरी है बेबी हक की, और मुझे अच्छी लगी, कलर और प्रिंट बहुत अच्छा है, देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत सा है सेट है, टी शर्ट है, ऊपर डोंगी है। और ये मैंने हाफ में लिया है, कभी कभार बच्चों को हाफ बनाने के लिए भी लगता है, तो मैंने ये कुछ ये हाफ में ले लिया है, आप देख सकते हो। मतलब आप गिफ्ट करो या बच्चे को पहनाओ, आप बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे, बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपका बेबी बहुत कंफर्ट जोन में है। और बच्चे के कपड़े हम बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो मैंने ये लिया है और इसका भी कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा, टॉफी हाउस ब्रांड है, आप देख सकते हो। और उसके बाद सेम ये टॉफी हाउस ब्रांड का ही है जो मैंने कहा था, मैंने दो ले लिया है, और ये हल्की ठंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा बच्चों को। तीसरा मेरे पास ये है, ये भी सेम टॉफी हाउस का ही है, तो ये भी आप देखिए कि कलर कितना खूबसूरत है, बेबी ठंड के बाद कितने खूबसूरत दिखेंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते, और बहुत प्यारे लगते हैं। बच्चे तो प्यारे होते ही हैं, पर उनको कपड़े हम सोच के सोचते ना कि अरे ये कितना क्यूट लगेगा, वो कितना क्यूट लगेगा, तो आप देख सकते हो। ये भी मैंने बेबी को पहनाया, वॉश किया, पहनाया, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और ये इसका पैंट है खूबसूरत सा, छोटा सा, और ये जो मैंने येलो वाला दिखाया था ये उसका पैंट है, और इसको भी वॉश करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और उसके बाद है गाइस, इसका पैंट ऑरेंज कलर का है, मैंने कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं है, पर बच्चों को पहनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हुडी है। और ये है साथ में ये टी शर्ट है, और मुझे लग रहा है ये बेबी गर्ल के लिए था, पर मैंने अपने बॉय के लिए खरीद लिया क्योंकि मैं छोटे बच्चों में मुझे लगता है कि वो कुछ भी पहनेंगे अच्छे दिखेंगे। और ये वाला भी एक हुडी ही है, बहुत ही खूबसूरत है गाइस, कलर मुझे ब्लू और रेड कलर बच्चों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं स्किप नहीं कर पाती हूँ उनके लिए, तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा है। और इसका पैंट देखो आप, वाओ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है गाइस। तो ये मेरी थी शॉपिंग हॉल फर्स्ट ट्राई से। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। और गाइस मेरी शॉपिंग कैसी लगी आप मुझे वो भी बताइए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और आपको कोई सजेशन चाहिए तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास दो बेबी हैं तो मैं अपने हिसाब से आप लोग को अच्छा चीज़ें सजेस्ट करूँगी। और प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।